हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम नाइनटीन ऑफ अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तो ये जो आपको इनकी फोटो दिख रही है तो आज ह्यूमन डिग्निटी डे सेलिब्रेट किया जाता है इनकी ही क्या है बर्थ सेंटिनरी है ठीक है तो यहाँ पे हंड्रेड ये देख रहा होगा आपको दादा ठीक है ही इज़ ऑल्सो नोन एज दादा भी इनको बोला जाता था तो इनसे रिलेटेड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे अक्टूबर नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी में ये बॉर्न हुए थे अक्टूबर ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड थ्री में आ, इनकी डेथ हुई थी ठीक है तो लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन आई है हमने नोट्स बना चुके हैं इसके तो ह्यूमन डिग्निटी डे पांडुरंग शास्त्री अथावलेस बर्स सेंटनरी ऑब्जर्व टुडे और जो स्वाध्याय मोमेंट के फॉलोवर्स हैं ये ऑब्जर्व करेंगे अक्टूबर 19 को एज ह्यूमन डिग्निटी डे ठीक है स्पिरिचुअल लीडर हैं एंड सोशल रिफॉर्मर ये रहे हैं एंड सोशल रिफॉर्मर इनको अवार्ड भी किया गया था रेमन मैक्से अवार्ड से ठीक है फॉर कम्युनिटी लीडरशिप 1996 तो उन्नीस तो में इनको रेमन मैक्से अवार्ड भी दिया गया था फिर टेम्पल्टन प्राइज भी इनको दिया गया था प्रोग्रेस इन रिलीजन ठीक है रिलीजन में प्रोग्रेस के लिए इनको जो दिया गया था टेम्पल्टन प्राइज 1997 में एंड इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ठीक है तो इंडिया का सेकेंड दूसरा हाइस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा होता है पद्म विभूषण ठीक है तो पद्म विभूषण भी नाइन्टीन में इनको दिया गया था तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और जो पहला ह्यूमन डिग्निटी डे था वो ऑब्ज़र्व किया गया था सेलिब्रेट किया गया था 1990 को ठीक है उन्नीस सौ तो ये इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड जो ग्लोबल की अगर हम बात करें तो ग्लोबल डिग्निटी जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है सेवनटीन ऑफ अक्टूबर को इसमें यही होता है कि जो काइंडनेस अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस और कंपेशन जैसी वैल्यूज़ हैं तो इनको और ज़्यादा इन्हांस करना ठीक है नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी दैट वॉज रिलेटेड टू मारथोमा चर्च हेड जोसेफ़ मारथोमा डेड ठीक है तो इन्होंने काफी तेरह सालों से यहाँ पे ये हेड थे एंड नाइन्टी ईयर ओल्ड हेड ऑफ द मार्थोमा कम्युनिटी वॉज़ अंडर ट्रीटमेंट फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर है ना तो ये था कल ही इनकी डेथ हो गई और यहाँ पर ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ प्राइम जून को प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया था द नाइन्टीथ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द मेट्रोपोलिटन है ना तो इसके बारे में यहाँ पे चर्च के बारे में देख लेते हैं जो मालंकन मारथोमा सीरियन चर्च है इसको मारथोमा चर्च भी बोला जाता है इज़ वन ऑफ द एंशियट इंडिजिनियस चर्चेज इन केरला ठीक है केरला का ये एक एंशियट प्राचीनकालीन जो चर्च है वो है और ऐसा बोला जाता है कि जो जीजस क्राइस्ट के जो शिष्य थे डिसिपल सेंट थॉमस तो वो वो यहाँ पे आए थे फिफ्टी टू ए डी में एंड इस उन्होंने ये चर्च को स्टैब्लिश किया था एंड द चर्च इज़ प्रेजेंटली हैडेड बाय देयर ट्वेंटी फर्स्ट मालंकर मेट्रोपोलिटन ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट जो ये है यही है जो जोसेफ मारथोमा हु हैज़ हेडेड द चर्च फॉर लास्ट थर्टीन ईयर्स और इसमें काफ़ी सारे जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स हैं सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट इंडस्टीट्यूट होम्स एंड हॉस्पिटल्स कॉलेज स्कूल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ये सारे चर्च के द्वारा रन होते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कल ही मैंने डिस्कस uh, किया था चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स ठीक है index, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के uh, आइए बताना है स्टेटमेंट वन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर 2020 को और ये बेस्ड होता है ऑन फाइव कंपोनेंट इंडिकेटर्स ठीक है ये ध्यान से पढ़ना एंड इंडिया रैंक्स वन आउट ऑफ वन कंट्रीज ठीक है तो आपको ऑप्शन जो है चूज़ करना है वन ओनली टू ओनली वन टू थ्री एंड नन ऑफ द अबव ठीक है तो आंसर आप प्लीज जरूर कीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जी एच आई ट्वेंटी ट्वेंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब ये मत लेना कि इसका हिंदी मीनिंग है ये भी क्वेश्चन सेम है ठीक है लेकिन अलग तरीके से क्वेश्चन है कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक एक देशों में से नाइन्टी है और यह दुनिया के देशों में बुकमरी और कुपोषण की गणना इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुआयामी साधन है तीसरा जो स्टेटमेंट है इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हंगर हेल्फे द्वारा संयुक्त तो रूप से तैयार और प्रकाशित किया जाता है तो उपरोक्त तो में से कौन सा कथन सही है ठीक है केवल वन टू वन टू थ्री एंड थ्री तो इसमें से आपको बताना है ठीक है दोनों आपका मतलब पूरा ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी अगर सही से नहीं है तो आप ध्यान से उसको आंसर कीजिएगा तो ये है ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट न्यूज़ है घर तक फाइबर स्लो प्रोग्रेस इन प्लान टू कनेक्ट बिहार विलेजेस ठीक है तो अभी ये जो अनाउंसमेंट किया गया था कि जो जितने भी जो बिहार के जो विलेजेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर ठीक है तो घर तक फाइबर स्कीम ये है और इसका एम यही है टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस विद हाई स्पीड इंटरनेट इज ऑफ अ स्लो स्टार्ट इन पोलवान बिहार तो ये चीज़ है और यहाँ पर ये भी देख सकते हो दे, मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे द स्टेट वुड नीड टू बिग ग ट्रेंच प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू एन एवरेज टू फिफ्टी सेवन विलेजेस डेली और अ मंथली एवरेज ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विलेजेस ठीक है तो ये है इसमें और जो ग्राम पंचायत है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी एंड द लर्निंग फ्राम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द घर तक फाइबर स्कीम बिहार कुड़ ऑल्सो बी अ लेसन फॉर फ्यूचर एज सेंटर प्लान टू कनेक्ट क्योंकि सेंटर का प्लान ये है कि सिक्स पॉइंट फाइव लाख विलेजेस को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से क्या करना है कनेक्ट करना है नेक्स्ट वन थाउजेंड डेज और यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि फाइबर टू द होम जो है ना कनेक्शंस पर विलेज ये मिलेंगे सारे जो फाइव फाइवर फाइबर हैं तो ऐसे मिलेंगे एंड यहाँ पे क्या होंगे वन वाई फाई हॉट भी होगा हर एक विलेज में है ना अक्टूबर फोर्टीन ओनली थर्टी थाउजेंड सेवन सिक्सटी एट एफ आई टी एच कनेक्शन हैड बीन गिवन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी और भारत नेट प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली ये शुरू किया गया था एज द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर 2011 में एंड हैज बिन डिलेड है ना तो 92 मंथ से ये पूरा डिलेड है अभी जो न्यू डेडलाइन इसकी 2021 तक दी गई है अगस्त की एंड हाउ वेर ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर्स एड ऑल विजेस इन द कंट्री वुड भी कनेक्टेड टू द इंटरनेट ओवर द नेक्स्ट वन थाउजेंड डेज दैट मीन्स की जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा दो तक ये होगा है ना कि स्वामित्व तो करके हमने स्कीम भी पढ़ी थी तो वो भी इसके सिमिलर ही है यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर में काफ़ी कुछ न्यूज है तो पहले कहाँ से हम शुरू करें तो यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स मार्च इन बिन्स ठीक है तो बिन्स जो है बेलारूस की कैपिटल है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीट में मार्च कर रहे हैं बेलारूशियन जो पीपल है जो वहाँ के जो वेटरन uh, जो प्रेसिडेंट हैं तो उनके रेजिग्नेशन की बात हो रही है ठीक है अलेक्जेंडर लुकाशेंको है ना तो इन्होंने उन्होंने काफ़ी सारे जो यहाँ पे ये भी बोल दिया था कि अगर कोई प्रोटेस्टर्स है प्रोटेस्ट करते हैं वो तो यहाँ पे फायर आर्म्स वगैरह भी यूज़ किया जाएगा फिर भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इनका रिजग्नेशन मांग रहे हैं और उनको क्या करना है यहाँ से हटाना चाहते हैं है ना? नेक्स्ट जो यहाँ पे है फ्रांस पे ट्रिब्यूट टू किल टीचर तो यहाँ पे फ्रांस में एक टीचर हिस्ट्री के टीचर थे तो वो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच पे लेक्चर दे रहे थे तो उसमें यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ठीक है तो उनकी आ, जो आ, कुछ पोस्टर है तो उन्होंने उसका भी यूज़ किया था पढ़ाते टाइम एज एग्ज़ाम्पल एज इन तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ बच्चा था एक एटीन ईयर ओल्ड तो उसने आ, क्या किया उनको बीहेडेड कर दिया मतलब उनका गला जो है कट कर दिया गया था है ना तो ये यहाँ पे यही बोला गया है कि प्रोजिक्यूटर सेट द अटैकर वांटेड टू पनिश द टीचर फॉर शोइंग हिज पीपल्स कार्टून्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन अ सिविक्स क्लास ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अर्लियर दिस मंथ सैमुल पैटी इनका नाम था ठीक है सैमुल पैटी तो यही एक यहाँ पे काफ़ी बड़ी ये चीज़ हुई है तो ये प्रोटेस्ट मतलब इसमें मार्च वगैरह कर रहे हैं कि उसको मार भी दिया गया था बाद में ये बोले जा रहे हैं और इससे पहले भी आपको बताना चाहिए कि जो यहाँ की एक मैगजीन है चार्ल आ, हैप डो है ना तो वहाँ पर भी क्या हुआ था आ, उनके जो ऑफिस था टू में वहाँ पर भी वैसे लेवल पे जीरोसाइड हुआ था नरसंहार है ना तो उसका भी अभी जो केस है वो पूरी तरीके से चल रहा है तो ये है ठीक है नेक्स्ट जो न्यूज़ है थाउजेंड डिफेस प्रोटेस्ट बैन अगेंस्ट इन बैंकॉक पीएम सिक्स टॉक्स तो ये हमने पढ़ा ही है बैंकॉक में जो प्रोटेस्ट है ना तीन दिन से हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बोला गया है जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है एक तो मतलब जो थाईलैंड था, में जो मोनार्की है उसको क्या करो मोनार्की में रिफॉर्म लाने चाहिए है ना दूसरा ये कि डाउन विद डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप को हटाओ एंड फ्री आवर माइंड्स है ना प्रोटेस्टर ये बोल रहे हैं कि देर स्टूडेंट रेन मास ऑफ कलर ऑन अम्ब्रेलाज तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हैं और काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है वाटर कैनन उन पर यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे जो मोनार्की को प्रोटेक्ट करने का एक 112 सेक्शन है तो ये प्रोटेक्ट करता है यहाँ की थाईलैंड की मोनार्की को कि डिफेंट मतलब डिफेम नहीं कर सकते है ना उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया यहाँ के जो किंग है बैंकॉक थाईलैंड का उसको कुछ बोल दिया तो आपको पंद्रह साल तक की जेल भी हो सकती है तो ये सारे इस तरीके के यहाँ पर है और नेक्स्ट जो यहाँ पे है इसराइल सेंट्स ट्रीटी डेलीगेशन टू बहरीन विद ट्रम्प्स एड्स ठीक है तो यहाँ पे इसराइल डेलीगेशन के साथ यू एस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो बहरीन गए हैं फॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस को है ना क्योंकि आपको पता है कि जो पहली गल्फ़ कंट्री है यू ए तो यू ए ने क्या किए थे इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए थे फॉर्मलाइजेशन इसका हो गया था इसी के तुरंत बाद बहरीन ने भी किया ठीक है बहरीन ने भी यू ए को फॉलो किया लास्ट मंथ में नॉर्मलाइज किए टाई इसराइल के साथ उसके बाद पैलेस्टीन जो है हु हैड डिमांडेड स्टेट हुड बिफोर एनी सच रीजनल री अप्रोचमेंट तो ये सारी चीज़ें हैं। इसराइल बहरीन साइन द डिक्लेरेशन ऑफ पीस कोऑपरेशन कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमैटिक एंड फ्रेंड रिलेशन एट अ वॉइस हाउस सेरेमनी लास्ट मंथ ठीक है बट दैट वॉज नॉट अ फॉर्मल ट्रीटी लेकिन अभी जो हो जाएगी ये पीस ट्रीटी जो है फॉर्मल ट्रिटी हो जाएगी ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ये भी देन यू एन आर्म्स एम्बागोज ऑन ईरान एक्सपायर डिस्पाइट वॉन्चड अब सन संडे को जो था ईरान में जो सेक्शन इम्पोज किए गए थे कि वो मतलब कहीं से आर्म वगैरह जो है वो परचेज या फिर सेल नहीं कर सकता है तो ये बोला गया है कि अब जो है वो संडे को एक्सपायर हो गई है ट्रीटी है ना तो अभी ये बोला है ईरान ने कि ऑल दो द बैन ऑन बाइंग वेपन्स फ्राम अब्रॉड हैज़ बिन लिफ्टेड है ना कि मतलब अब्रॉड से जो खरीद सकते हैं वेपन वगैरह लेकिन इट वॉन्ट गो अ बाइंग स्प्री है ना तो एंड इट इज अनलाइकली दैट द कंट्री विल इमिजिएटली एग्री बिग आर्म्स डील विद फॉरन पावर्स तो ये बाइंग स्प्री मतलब क्या होता है कि जैसे अभी जैसे फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे वगैरह चल रहा है तो आपने क्या किया होगा कि इतने कम टाइम में हमने खूब सारे परचेज कर लिया होगा तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच समवन मतलब क्या होता है बाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना तो उसको बोलते हैं बाइंग स्प्री है ना तो आप मैसे भी आप तो बाइंग जैसे शॉपिंग स्प्री भी बोल सकते हैं उसको तो ये इस तरीके से नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी जो सैंक्शन यूएसए ने लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर तो उससे वो ड्रेस्टिकली इंपेक्टेड हुए हैं इवन जो डोमेस्टिक जो परचेज है उसमें भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस वेपन्स है उनके है ना वो भी उसके लिए भी मतलब आ, इतनी आसानी से कोई खरीदेगा नहीं एंड दिस विल मेक डिफ़िकल्ट फॉर इरान टू बाय वेपन्स इन मैसिव हाई प्रोफाइल डील्स तो होंगी ही नहीं है ना क्योंकि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो थोड़ा डरेंगे इनसे ऐसे खर्च करने में कि यूएस और कुछ उन पर जो है फाइनेंशली uh, सैक्शन ना इम्पोज करके अपने रिलेशन ख़राब हो जाएंगे यू के साथ तो अब यू ने जो थे बैन किए थे ईरान को फ्रॉम बाइंग मेजर फॉरन वेपन्स दो में एंड अमिट टेंशन ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है अब जो यूएस के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये प्रडिक्ट किया था 2019 में कि अगर मतलब ये जो एम्बार्बो है ये जो डील है ये अगर एंड हो जाती है तो ईरान क्या कर सकता है ईरान ट्राई करेगा कि वो रशियन का एस यू थर्टी फाइटर जेट उसको मिल जाए है ना याक वन थर्टी ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल जाए टी नाइन्टी टैंक्स उनको मिल जाए और साथ में वो रशिया से एस फोर हंड्रेड जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है है ना तो वो भी उससे मांग सकता है बेस्ट इन कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम डी आई एस है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं नेक्स्ट है आर्मेनिया एंड अजरबैजान अग्री न्यू ट्रूस बट इट फॉल्स अ पार्ट आर्स लेटर है ना तो यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मतलब आफ्टर सीज फायर उसके बाद भी यहाँ पे आ, ये जो सिविलियन अटैक्स हैं है ना ये नहीं रुक रहे हैं और न्यू ह्यूमेटेरियन सीज फायर को मतलब दूसरा वायलेट किया गया कहाँ पे जो माउंटेन इनक्लेव है नोग्रोनो काराबाग रीजन है ना तो नोग्रोनो काराबाग रीजन एडजेंट नोग्रोनो काराबाग वॉज अंडर अर्मेनियन शिलिंग इट सेड ओवर नाइट अर्मेनियन मिलिट्री यूनाइट्स ओपन अ फायर फ्रॉम लास्ट केलेब वेपन्स तो यहाँ पे बस यही डिस्प्यूट है कि नोग्रोनो काराबाग जो है यहाँ पे ये यह अर्मेनिया बोलता है कि इन्होंने नहीं किया है अजहरबीजान जो है वो बोलते हैं हमने नहीं किया कुछ भी है ना तो यही सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं और नोग्रोनो काराबाग इज़ अ माउंटेन टेरिटरी दैट इज़ इंटरनेशनली किसके द्वारा रिकोगनाइज है ये अजरबैजान की इसको पार्ट माना जाता है लेकिन जो इसमें यहाँ पे जो पॉपुलेटेड है एंड गवर्नड है तो वो अर्मेनियन जो एथेनिक अर्मेनियन्स हैं उनके द्वारा ये गवर्न होता है है ना तो ये है एक बार यहाँ पे ये इसराइल की आप जो है लोकेशंस भी देख सकते हो ये जेरोसलम है यहाँ पे तेल अवीव है ठीक है तो तेल अवीव से ही अभी कहाँ को जा रहे हैं बहरीन को जा रहे हैं ये वेस्ट बैंक है ठीक है यहाँ गाजा गाज़ाजाइप है एंड जॉर्डन है इसके बॉर्डर में है ना और यहाँ पर लेबनान है जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का हमने अभी पढ़ी थी यहाँ की पूरी समस्या भी देखी थी तो ये सारे आपको देखते रहने चाहिए ये सीरिया है ठीक है लेबनान और बेररोड ठीक है बैरट यहाँ पे कैपिटल है इसकी लेबनान की इसराइल जेरोसलम पोर्ट सईद है है ना यहाँ पे ये साइप्रस है और ये क्या है ये रेड सी है ठीक है और इसके साउदर्न पार्ट में अगर हम और हम आगे आए गल्फ़ ऑफ़ एडन है ठीक है यहाँ पे अरेबियन सी है ये पर्शियन गल्फ है और ये जो बाबेल मंदप वगैरह जो है वो यहाँ पे है ठीक है तो ये सब भी आपको लोकेशन वाइज़ पता होनी चाहिए गल्फ़ ऑफ ओमान कहाँ है और अगर हम अजरबैजान और अर्मेनिया की बात करें तो वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यह ठीक है अर्मेनिया अजरबैजान नोग्रोनो काराबाग जो रीजन है वो यहाँ पे इन्हीं के बीच में ये रीजन है ठीक है और अजरबैजान की कैपिटल क्या है बाकू ठीक है बाकू कैपिटल है ये बाकू दिख रही है ना? और अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है येरेवान ठीक है तो ये सारी चीज़ें ये येरेवान ये रहा ठीक है तो ये आपको मैप देख के ही मतलब थोड़ा दिमाग में फिट हो जाएंगे याद हो जाएंगे इस वजह से मैं मैप आप आपको ज़्यादा फोकस करती हूँ कि देखना चाहिए रेगुलरली ठीक है बाकी सारे चीजें फ्रांस ये है सो तो दूसरी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं अब यहां पे एक न्यूज है टू कलेक्ट सैंपल ठीक है तो अब ट्यूसडे को ये बोला जा रहा है कि जो नासा का एक ऑसरिक्स मिशन है ठीक है तो यहां से मतलब ये क्या करेगा सिक्सटी ग्राम्स वर्थ ऑफ एस्ट्रॉयड ये लाएगा बेन्यू एस्ट्रॉइड से है ना सिक्सटी ग्राम ऑफ वर्थ एंड द बिगर्स ओवर वर्ल्ड ही हॉल फ्रॉम बियड द मून यहाँ पे पहले ऑसीरिक्स मिशन के बारे में देख लेते हैं क्या है ये एक्जैक्टली exactly? ये फुल फॉर्म देख लो ऑसिस्ट रेक्स ठीक है तो ओसीरिक्स मतलब ओ फॉर ओरिजिन एस फॉर स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन आर फॉर रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलित्सप्लोर ठीक है तो रिक्स की फुल फॉर्म क्या है रेगुल्लोर एंड ये थर्ड मिशन है नासाज न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम ठीक है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का ये तीसरा मिशन है और प्रीवियसली जो सेंड किया गया था न्यू होराइजंस स्पेस क्राफ्ट जूमिंग बाई प्लोटो एंड दिस जूनो स्पेसक्राफ्ट इंटू ऑर्बिट अराउंड जुपिटर ठीक है जूनो जो है जुपिटर से रिलेटेड है न्यू हराइजन प्लूटो से और जो नासा का जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है इसके तहत ही ये तीनों प्रोग्राम आते हैं ठीक है और जो है ये है अब यहाँ पे क्या है बेनू बेनू एक स्टार है ठीक है बहुत छोटा सा स्टार तारा जैसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड ही जिसको बोलेंगे तो बेनू को सिलेक्ट क्यों किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे एस्ट्रॉइड थे मोर दैन फिफ्टी थाउजेंड एस्ट्रॉइड्स ड्यू टू इट अ फिटिंग नंबर ऑफ़ की क्राइटेरिया जैसे कि इसकी प्रॉक्सिमिटी है अर्थ के बिल्कुल पास में है ये है ना तो इस वजह से ये है कि यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन में एक तो रीजनेबल टाइम फ्रेम में पहुँचा जा सकता है नासा नीडेड टू फाइंड एस्टोराइड विच हैड अ सिमिलर ऑर्बिट टू अर्थ दूसरा इसका जो साइज़ है काफ़ी स्मॉल एस्टोराइड्स है दो लेस देन टू हंड्रेड मीटर इन डायमीटर डायमीटर टिपिकली स्पिन मच फास्टर देन लार्जर एस्टेराइड है ना तो ये चीज़ है स्पिन भी ये फास्टर करता है और रेगुलथ मटीरियल कैन बी इजेक्टेड इन टू स्पेस सो बेन्नू इज़ अराउंड फाइव हंड्रेड मीटर इन डाया मीटर सो रोटेट स्लोली इनफ टू इंश्योर द रेगुलर स्टेज इन सर्फेस तो ये इस वजह से इसको यहाँ पर भेजा गया है ना तो यहाँ से मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी भी मिलती है क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला गया था कि इस ये जो था दो पार्ट में डिवाइड हो गया था जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी एन डब्ल्यू एट करके वन एट हंड्रेड वन था और मर्चेसन था तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पे लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट हुई थी है ना उसके बारे में तो ये मिशन है अब यहाँ पे नेवल वर्जन ऑफ़ ब्रह्मोस टेस्ट फायर सक्सेसफुली ठीक है तो नेवल वर्जन जो है ब्रह्मोस का वो फायर हुआ है सक्सेसफुली कहाँ पे आ, हिटिंग अ टारगेट इन द अरेबियन सेट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवल वर्जन संडे ठीक है तो ये जो नेवी के द्वारा इंडिजनसली बिल्ट स्टल डिस्ट्रॉयर है आई एन एस चेन्नई तो यहाँ से हुआ इसका नेवल वर्जन है और क्रूज मिसाइल जो है इसको क्रूज मिसाइल बोला जाता है ठीक है ब्रह्मोस क्या है क्रूज मिसाइल है स्टैंड ऑफ रेंज वेपन

अब जो है पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये ब्रह्मोस इसका नाम क्यों रखा गया है ये एमलगेमेशन है ठीक है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया उससे और जो रशिया में मॉस्को में मस्कोवा रिवर है तो उससे मिलकर ब्रह्मोस इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है प्रोड्यूस किया गया है ब्रह्मोस एयरोस्पेस अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेटअप बाय डी एंड मशीन थ्रो ये ना ऑफ रशिया ठीक है तो इससे ये क्या गया है अब ये है कि इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं इंक्लूडिंग दोज दैट कैन बी फायर फ्रॉम लैंड वॉरशिप सब मरीन्स ठीक है land, warship, तो ये क्या है कि uh, चाहे लैंड हो सबमरींस हो और सुखोई थर्टी फाइटर जेट्स ठीक है हैड ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड इन द पास्ट ठीक है तो अगर पूछा जाता है कि जो आम, मतलब मिसाइल है क्रूज मिसाइल ठीक है लेकिन जब इसकी जो स्पीड है टू पॉइंट एट मैक्स तक हो जाती है तो उसको सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बोला जाता है ठीक है तो अभी इसको हाइपरसोनिक जो वेरियंट है उसको उसको भी निकालेंगे उसमें फाइव मैक्स से ज़्यादा की स्पीड होगी है ना तो ये आ, अभी वो वेरियंट आएगा और टू पॉइंट एट मैक में ये हो जाता है कि थ्री टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है ना तो वो हो जाता है और फायर एंड फॉगेट पे ये काम करती है यानी कि दागो और भूल जाओ है ना दागो और फूल जाओ <laughs> फूल फूल जाओ नहीं मतलब भूल जाओ मतलब उसके बाद आपको कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, है ना नो फर्दर गाइडेंस कि एक बार लॉन्च कर दिया तो उसके बाद ये खुद ही ऑपरेट होती रहेगी है, है ना और दूसरा यही है कि इसमें इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एयर एंड सी तो इसको मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल भी बोला जाता है और अगर बात करें हम इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है कि मतलब आप डे और नाइट कभी भी ये क्या हो सकती है बहुत अच्छे से ये काम करेगी इस्पेक्टिव ऑफ़ द वेदर कंडीशन है ना चाहे किस तरह का भी मतलब मौसम हो बारिश हो अंधेरा हो रात हो दिन हो जो भी हो तो ये अच्छे से वर्क करेगी है ना तो ये आपको पता होना चाहिए तो ये था इससे रिलेटेड न्यूज़ नेक्स्ट एक और यहाँ पे है इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडियन चाइनीज़ ऑफिशियज अटेंड एस योगा इवेंट ठीक है तो एस जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे योगा इवेंट भी चल रहा है तो ये हमारी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर को भी दर्शाता है ना तो यहाँ पे इस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर इंडिया के साथ साथ चाइना के भी जो डिप्लोमेट्स थे डिप्लोमेट्स के साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ के भी जो डिप्लोमेट्स थे तो वो भी यहाँ पर उन्होंने आ, पार्टिसिपेट किया इस योगा इवेंट में एंड जो 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 एट मेम्बर ग्रुप है ठीक है कौन कौन है इसमें कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया चाइना ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है तो ये चीज है और अब यहाँ पे हम सीधा अभी और तो अब न्यूज है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट तो सीधा हम एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं ये दो न्यूज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन डिग्निटी और ट्वेंटी सेवंथ वो ठीक है तो यहाँ पे जो न्यूज़ है अब बिगिनिंग तो ये जम्मू कश्मीर में बोला जा रहा है कि जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होगी तो फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के टीडीसी के ठीक है और लेकिन ये सबस्टिट्यूट नहीं है कि यहाँ पे सारे जो स्टेबिलिटी है वो सब आए तो अमेंडमेंट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट टू फैसलेट डायरेक्ट इलेक्शन टू द सेकेंड ईयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तो ये एक कि स्टार्ट है पोलिटिकल प्रोसेस के लिए यूनियन टेरेटरी में और जो ये बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उन्होंने डिमांड किया था है ना कि उनको स्टेट uh, हुड जो है थ्री सेवेंटी को मतलब क्यों हटाया टाई उसको वापस रिस्टोर करना चाहिए वहाँ को जो स्पेशल स्टेटस है वो ग्रांट करना चाहिए इलेक्शन टू डी डीडीसी विल बी अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ हाउ डीप द वाटर्स रैली रन है ना तो ये चीज़ बोली गई है कि जो डी के जो इलेक्शन होंगे और वो क्या करेंगे एक तरह से जो गुप कर रही है जो गुबाकर नेरेटिव हम पढ़ रहे हैं ना बार बार से कि सिक्स पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाया उन्होंने एक साथ आई थी साइन किया था पहला जो था अगस्त 2019 में हुआ गुप का डिक्लेरेशन फिर दूसरा हुआ अभी तीसरा ये रिसेंट में हुआ है तो लास्ट मतलब वीक तो है, है तो ये चीज बोला गया और पीडीपी चेयरपर्सन जो महबूबा पब्लिक है तो रिसेंटली क्रिएटेड जो अपनी पार्टी है वो भी मतलब थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी से बस यही चीजें यहाँ पे लिखी है कि ये सब एक शुरुआत होगी कि इलेक्टेड बॉडी जो है वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो करने चाहिए है, है ना और ये है यहाँ पे जो आर्टिकल एंड ट्रुथ मशीन Uh, तो ये आर्टिकल नार्को एनालिसिस से रिलेटेड है तो ये चीज़ बोली गई है कि नारको एनालिसिस वुड इन्वॉइट अ पब्लिक मीडिया ट्रायल विच मेनिपुलेट साइंस फेवर्स द डोमिनट है ना तो जो नाइनटीन ईयर ओल्ड दलित वुमेन हमने बहुत बार ये आर्टिकल डिस्कस कर चुका है बस ब्रीफली जो न्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उन दलित वुमेन का रेप हुआ था हाथरस में उत्तर प्रदेश में और इसमें काफ़ी सारी जो अटेंशन थी नारको एनालिसिस बोला गया ना कि उनकी फैमिली मेम्बर्स का किया जाएगा तो फैमिली मेम्बर्स का करा के क्या होगा मतलब वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा ट्रामेटाइज हैं

पेंटोथल uh, ठीक है तो ये आप देख लो इसको और जूम मैंने कर दिया है सोडियम पेंटोथल और अ पर्सन टू ऑन इंड्यूस ट्रुथ है ना कि आपको ट्रुथ बोलने हुए आप कंपेल हो जाओगे इस फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट uh, uh, के द्वारा है ना द लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नार्कोलाइसिज वेल नोन थ्रू रियली एक्नोलेज तो इसको एक्नोलेज भी नहीं किया जाता इवन जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं साइंटिफिक कम्युनिटी है इन्होंने इसको डिस uh, डिसअवॉल्व किया है बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एज नॉट जस्ट अबाउट द टेक्निक इट तो ये चीज़ उसके बाद भी आप बार बार जो इंडियन पुलिसिंग सिस्टम है वो उनकी इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिस का ये पार्ट बन गया है है ना कि ट्रूथ क्लेमिंग इसको बोला जाता है देखा होगा आपने कि लाइट डरेक्टर जो टेस्ट किए जाते हैं बार बार तो जबकि ये ऐसे होने नहीं चाहिए क्योंकि तो इनका कोई साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी है नहीं द कोर्ट स्टॉप शॉर्ट स्ट्राइकिंग दैम डाउन कोर्ट ने भी बोला था कि आप इसको मत यूज़ करो बिकॉज ये क्या करता है अनएक्सेप्टेबल है अनएक्सेप्टेबल है ओके okay, क्यों है Uh, क्योंकि ये क्या करता है जो हमारे सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो राइट uh, right है हमें आर्टिकल ट्वेंटी uh, का सेक्शन थ्री ठीक है तो उसमें मतलब ये है ना कि आप अपने को खुद को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते हो है ना आपको ये नहीं है कि आपको कंपेल किया जाएगा कि आप बोलो कि मैंने ही क्राइम किया है मैं अपराधी हूँ है ना तो अपने दोस्त सिद्धि में वो अपराध का जो है क्लॉज है ना तो ये आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में है तो उसको भी वायलेट करता है एंड जो हमारा जीने का अधिकार है एंड स्वतंत्रता आर्टिकल ट्वेंटी वन है ना राइट टू राइट विद डिग्निटी राइट टू तो लाइफ तो वो भी इसको भी वायलेट करता है ना तो ये एक लैक ऑफ अ डिसिसिव रिजेक्शन ऑफ नार्कोनसिस डेट मेडिकल इथिक्स स्कॉलर अमर जैसानी कॉल्स फार्मोलॉजिकल टॉर्चर इसको अमर जैसानी ने क्या कहा इथिक्स के जो स्कॉलर है फार्मोलॉजिकल टॉर्चर uh, है ना हैज़ अलाउड द इंस्पेक्टर ऑफ दिस टेक्निक इज हॉन डिफरेंट साइट ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया तो ये सारी चीज़ों का ऐसे यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए तो यही इस आर्टिकल में मेन देख हमें देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल टिंकरिंग एट मार्जिन्स टू टिंकरिंग एट मार्जिन्स जो है ये रिलेटेड है एन बी एस से ठीक है तो एन बी एस की अगर हम बात करें अगर आप पहले टाइम से करंट अफेयर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो टू थाउजेंड टेन में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी है ना तो टू थाउजेंड टेन में ये स्कीम जो थी स्टार्ट हुई थी क्यों ताकि जो जितने भी मतलब जो कहीं हमारी पूरी लैंड है ना तो वो अलग अलग जगह पे Uh, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड है वहाँ की सॉइल जो है वो डिफरेंट है तो डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट लैंड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो भी ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह पे जैसे uh, कुछ जो फसलें होती है आपने देखा है कि वो कोल्ड uh, जो मतलब ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से होती है है ना तो वहाँ पे अब जैसे अगर कोई आपने प्लांट्स भी अपने घर पर लगाया है सपोज़ तो वहाँ पर आप उस प्लांट्स में आप लगातार आप सोच रहे हो कि खूब सारा पानी है हमारे घर में आ रहा है पानी लगातार आ रहा है तो उसमें डालोगे तो वो डैमेज हो जाएगा जाएगा तो इसी तरह से सॉइल में भी मतलब ये देखना होता है उसको टेस्ट करना पड़ता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता है ठीक है मतलब और कौन से जो है इनएडिकुएट वहाँ पे हैं है ना न्यूट्रिएंट्स तो ये इस वजह से लाया गया था कि हमको क्या देखना है कि कौन कौन से जो लैंड है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जो फ़र्टिलाइजर्स हैं उनकी है है ना तो उनका यूज़ है तो इस वजह से ये था नहीं तो पूरी जो ज़मीन होती है और जैसे अगर पौधों की भी मैं बात करूँ अगर स्पेसिफिक मतलब उसमें तो वो खराब हो जाते हैं ना तो यही चीज़ था अब एक और चीज़ मैं आपको प्रिलिम्स के प्रस्पेक्टिव से ये बताना चाहती हूँ कि जो एन है यानी कि न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी तो ये किसने इम्प्लीमेंट किए हैं ठीक है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ़ फर्टिलाइजर्स ठीक है स्पेशली एक डिपार्टमेंट है फ़र्टिलाइजर्स का डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो किसके अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ठीक है तो ये आपको याद रखना था इन्होंने ये टू में ये जो थी इम्प्लीमेंट की थी अब इसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है जो मेनली जो एन हैं है, है ना Uh, तो उनकी क्या होती है कमी होती है यहाँ पे मेनली जो यूरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस uh, भरपूर मात्रा में यहाँ पे है तो एन बी ए वॉज एक्सपेक्टेड टू वीन अवे फार्मर्स फॉर अप्लाइंग टू मच यूरिया कंटेनिंग ओनली नाइट्रोजन अब यूरिया में ज़्यादातर क्या होता है नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन तो है यहाँ पे लेकिन जो फॉस्फोरस और जो वो है क्या पोटेशियम ठीक है उसकी कमी है यहाँ पे देखने को मिलती है हमें तो इस वजह से मतलब यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है अगर यहाँ पे हम कुछ डेटा की बात करें कि बिटवीन 2009 से 2010 के बीच में और 2019 से 2020 के बीच में जो यूरिया कंजम्पशन था वो बढ़ा था ट्वेंट टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स मिलियन टन से लेके कितना बढ़ा था थर्टी सेवन पॉइंट सेवन मिलियन टन ठीक है तो ये है और अगर हम ओवरऑल जितने भी जो फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन की बात करें तो ये इंक्रीज हुआ था फिफ्टी मिलियन टन से सिक्स पॉइंट वन सेवन मिलियन टन है ना और जो यूरिया का शेयर था ये भी uh, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था इस पीरियड में अब रीज़न यही बताया जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स में जो इम्बेलेंस है वो सिंपल है अगर हम मै मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होता है एमआरपी तो इसकी बात करें तो ये रेस किया गया था इलेवन है ना एंड एम आर पीज ऑफ अदर फर्टिलाइजर विच वॉज डी कंट्रोल क्योंकि देखो इसको तो कंट्रोल किया जाता है लेकिन बाकी औरों को कंट्रोल नहीं किया जाता है ना केवल जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए ही सब्सिडी देती है न्यूट्रेन कंटेंट्स के लिए कंटेंट्स के लिए एंड सिंस एन बी एस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली अदर फर्टिलाइजर इवन एज यूरिया रिमेन्स अंडर प्राइस कंट्रोल फार्मर आर यूजिंग मोर नॉट लेस ऑफ द लेटर अब जैसे अभी कोई चीज़ है अगर मैंने पानी के बारे में बताया अब आपको बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो आप उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का सोचोगे तो यहाँ पे भी हमारे फार्मर को ये है कि यूरिया जो है बहुत ज़्यादा मिलता है और ये चीप भी है ठीक है सस्ता होता है तो ये ख़रीदते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा इसको उर्वरक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर यही चीज़ बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जब से गवर्नमेंट मतलब स्टार्ट हुई है तो उन्होंने जो थे बेसिक एमआरपी ऑफ यूरिया जो था रिवाइज नहीं किया गया है ना इतने, साले, इतने सारे सालों में सिक्स एंड हाफ इयर्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंग ब्रिंगिंग यूरिया अंडर एनबीएस तो यूरिया जो है उसको एनबीएस के अंतर्गत लाना चाहिए था तो ये क्या करता है इससे पुशअप करता और जो फर्टिलाइजर्स हैं मतलब जो जो बाकी के हैं उनमें यह बोला गया है कि उनको थोड़ा सा आप आ, आ, सस्ता करो है ना ताकि लोग उनको भी ख़रीद पाएँ जो फार्मर्स हैं हमारे है ना पोटेशियम और जो फॉस्फोरस है इन सब को भी वो क्या कर सके आ, खरीद सके है ना और सल्फ़र है तो ये चीज़ बोला गया और यहाँ पे यूरिया के जो प्रा प्राइज़ हैं आप उनको इनक्रीज़ कर सकते हो ताकि वो एक बारे में मतलब एक बार सोचें कि ये ख़रीदना है कितना ख़रीदना है, है ना तो इस वजह से इसका थोड़ा लिमिटेड यूज़ होगा और सही तरीके से इसका यूज़ होगा तो यही चीज़ बोला गया है एंड दे विल अप्ई थ्री बैग्स है ना तो यही चीज़ है कि इफ़ यूरिया इज़ हैवली अंडर प्राइज्ड सो दे विल अप्लाई थ्री बैग्स वन टू और लेस वुड सफे यूरिया हैज़ बिकम अंडर हैज़ टू कम अंडर एन बी एस अब पॉलिटिकली फिजबल वे टू डू इज बाई हाइकिंग इट्स एम आर पी 2 रुपीज 10,000 थाउजेंड है ना तो ये चीज़ बोला है कि मे बी ओवर टू ईयर्स आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और जो फॉस्फोरस और जो पोटैश है सल्फर है ना इनको सारे सारे, सारे सबको क्या कर दो थोड़ा चीपर कर दो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ से टू थाउजेंड पर टोन आप इनको कर सकते हो है ना तो ये इसमें आर्टिकल है पूरा कि एन बी एस के अंतर्गत किसको लाना चाहिए यूरिया को देन हाउ टू मेक यू वेयर अ मास्क तो ये भी एक आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इसमें तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है सौम्या कांति घोष के द्वारा ठीक है ये कौन है ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एंड इन्होंने ये बोला है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली पुट टू यूज इन द करेंट पैंडमिक फॉर अ सोशल कॉज अब यहाँ पे जो अक्टूबर नाइन की अगर हम बात करें तो जो आर के गवर्नर हैं ठीक है उनका स्टेटमेंट था अक्टूबर नाइन को और आपको पता है कि ट्वेल्थ अक्टूबर को दो लोगों को क्या मिला था नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है ना तो उसमें ये बोल रहे हैं कि उन दोनों की जो स्टेटमेंट है आरबीआई के गवर्नर की और जो उनको प्राइज़ मिला तो वो एक तरह से एक ही चीज़ आ, के इर्द गिर्द फोकस करता है कि गवर्नर ने ये बोला था दैट कर्व कंट्रोल एंड फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी आर पब्लिक गुड्स ठीक है एक यील्ड कर्व कंट्रोल जो है और जो फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी है इसको पब्लिक गुड्स बोला था और इसका रिमाइंडर ऑफ़ द ट्रीटमेंट ऑफ सेम इन गेम थ्योरी है ना तो उस गेम थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात हुई है वेर डिफेक्शन अमंग इन इंडिविजुअल मार्केट इज रैंडम मतलब इसमें सारी चीज़ें ये होती है ना कि सरकार जो है कितना मतलब आर बी आई जो है कहाँ से बोरो कर रहा है चीज़ों को उससे सरकार को कितना रिवेन्यू मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं है, है ना और जैसे अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल इस मार्केट स्टेबिलिटी की तो आर तो फिनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी में मतलब कि ज, किस तरीके से जो परचेज uh, किया जा रहा है शेयर्स का बॉन्ड्स का है ना इन सब में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है डिबेंचर वगैरह जो भी हैं तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब इससे वाकई में जो अगर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने से मतलब लोगों को वाकई में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं एंड द फर्स्ट इंस्टेंस और दो से ये बोल रहे हैं कि ये मतलब ऐसा हो रहा है कि दिस इज़ पर है फोर्थ इंस्टेंस चौथी बार ये ऐसा है कि स्टूडेंट और टीचर गेटिंग अवार्ड है ना इन द सेम ईयर तो ये रॉबर्ट विल्सन जो है डिसाइडिंग द विनर ऑफ़ द इकोनॉमिक्स नोबल दिस एयर हैज़ थ्री नोबल विनिंग पी एच डी स्टूडेंट और जो अभी जो पॉल मेग्रॉन है है ना तो इनके ये स्टूडेंट रहे थे रॉबर्ट विल्सन के स्टूडेंट तो बस यहाँ पर यही कि पब्लिक गुड्स जो हैं उनको नॉन एक्सक्लूडेबल बोला जाता है नॉन रेविलस इन नेचर बोला जाता है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे जो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कॉपरेशन की बात की गई है सहयोग की बात है ना कि सारे प्लेयर्स को जो है अपॉर्चुनिटी होती है uh, की और अगर कोई अलग मतलब एक आइसोलेशन में कोई एजेंट काम करता है तो उससे सारे ही सफ़र करेंगे ठीक है अगर एक कोई अलग से काम करे तो यहाँ पे कोऑपरेशन इज़ नीडेड एंड ऑल शुड हैव अ कॉमन इंटरेस्ट तो सभी का जब एक कॉमन इंटरेस्ट होगा है ना आप सारे जो है अगर सभी कोई यूपीएससी पीसीएस आईएएस के लिए अगर कोई पढ़ रहा है तो आपके अगर बीच में कोई नॉन uh, पी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको कुछ पीएचडी करनी है या कुछ और करना है तो उसका परस्पेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा वो आपसे क्यों ऑपरेट करेगा आप बोलोगे कि आपको क्या पढ़ना है लक्ष्मीकांत पढ़ना है वो बोलेगा नहीं उसको एक थीसिस लिखनी है तो यहाँ पे मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना तो यहाँ पर कोऑपरेटिव एक कॉमन इंटरेस्ट जब आपका होगा सभी का उद्देश्य ये है कि आई बनना है तो वहाँ पर सभी लोग क्या होंगे एक सिमिलर आपका ग्रुप होगा पीपल्स का है ना तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया तो उससे सभी बेनिफिट करेंगे अगर एक भी नहीं होगा कोई आइसोलेशन में रहेगा कि ने उसको नहीं करना ग्रुप स्टडी नहीं करनी है करनी है तो उससे उस सफर भी हो सकते हैं और रिप्लस अगर कोई आपके ग्रुप में ऐसा इन्वॉल्व है तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी सभी को है ना तो ये चीज है द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स पब्लिश्ड इन साइंस मैगजीन इन सिक्सटी एट वॉज द अर्लीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ द दर्ग्यूमेंट एंड द फार्मर हु एडेड एन एक्स्ट्रा काउ ग्रेन तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है कि जैसे जो फार्मर है तो उन्होंने क्या किया था मतलब उसको ज्यादा एडवांटेज मिला जिसको बोला गया कि ठीक है आप जो अपने काव है उसको आप घास वगैरह खिलाओ मतलब जो भी था उसको आप खिलाओ और लेकिन ये क्या था दूसरे वाले को तो काव वगैरह नहीं मिली है ना तो इस वजह से उससे जो था उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हुए और पहले वालों को बेनिफिट तो ये हुआ कि ठीक है उसको काव वग़ैरह मिली जो काउ से जो भी था उसको एडवांटेज भी मिले जो भी मिलते हैं काउ के एडवांटेज मतलब मिल्क वगैरह है ना लेकिन जो वहाँ पर ओवरग्रेसड हुआ मतलब जरूरत से ज़्यादा गाय ने जो था घास वगैरह खाया तो ये सारी भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है ना तो ये एक एग्ज़ाम्पल था दूसरी चीज़ यहाँ पर यह बोली कि इलिस्ट्रेट द आइडिया ऑफ पब्लिक गुड्स तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि एम्पर अकबर जो था बीरबल को कहा था कि यू टेक अ बाथ इन मिल्क एंड दैन ऑल इज मिनिस्टर है ना कि आप जो है उनको मतलब क्या वो प्लान कर रहे हैं मिल्क से नहाने की है ना दूध से नहाना है उन्हें और सारे मिनिस्टर को बोला कि सबको कोऑपरेट करना है कि आप एक बाट टब जो है वो मिल्क से भरा होना चाहिए बाट टब तो लेकिन सारे मिनिस्टर अपने अपने तरीके से सोच रहे थे है ना कि हम क्योंकि मिल्क तो बहुत ज़्यादा महंगा है और महंगा है तो हम उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोई और जो है दूध ले आएगा हम पानी ही लाएंगे तो ऐसा लेकिन हर व्यक्ति ने सोचा और प्रत्येक व्यक्ति क्या लाया वाटर ही लाया है ना तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है लेकिन अगर यहाँ कुछ पनिशमेंट उनको मिलता तो यहाँ पे क्या हो जाता कि आपको पनिशमेंट मिलेगा अगर आप में से कोई वाटर लाया या फिर आप प्योर मिल्क नहीं लाए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा तो सभी उसके लिए ही काम करते हैं ना क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाता इसी के इसी तरीके से यहाँ पे मास्क की भी बात की गई है ना तो मास्क का एग्जाम्पल भी इसी कॉन्टेक्स में यहाँ पर दिया गया है कि क्या है हाउ टू मेक यू वेयर अ मास्क कि अगर सपोज मैंने मास्क पहना है है ना मैंने मास्क पहना है और मैं आपसे बात कर रही हूँ आपने मास्क नहीं पहना है ठीक है तो यहाँ पे क्या है मतलब मैं तो यहाँ पे मेरी सेफ्टी है साथ में आपकी भी सेफ्टी है एटलीस्ट वन साइडेड ही हो रहा है मैंने मास्क पहना है लेकिन आपने नहीं पहना तो लेकिन आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे सफोकेशन हो रही है मैं ही क्यों पहनूँ आप क्यों नहीं पहन रहे हो है ना तो यहाँ पे मैंने भी अपना मास्क रिमूव कर दिया तो इससे क्या होगा कि दोनों के लिए वो बहुत ही बड़ा मेजर एक कंसर्न हो जाएगा हम दोनों को ही मतलब जो अगर आजकल बोले कुछ इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना वायरस का ये सारी चीज़ें हो सकती है इवेंचुअलिटी एक बन जाएगी तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि अगर आपको मुझे एक हार्श पनिशमेंट दे दिया जाए फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क तो हम उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे है ना ऐसा हम करेंगे नहीं फिर यहाँ पर नैश इक्ुलिब्रियम के बारे में भी कुछ बताया गया है नैश इक्ुलिब्रियम आपने अगर वो मूवी देखी होगी ब्यूटीफुल माइंड है ना तो उसमें इसके बारे में वेल डिफाइंड मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है आई लव दैट मूवी आप भी उसको देखना तो यहाँ पे चार तरीके बताए गए हैं है ना देर आर फोर ऑप्शन किस तरीके से है कि देखो मतलब किसी को भी यूनिलेट्रली चेंज नहीं करना चाहिए उनके एक्शंस में है ना जो एजेंट्स है नेदर ऑफ द एजेंट्स कैन इंक्रीज देयर पे ऑफ बाई यूनिलेट्री चेंज देयर एक्शंस तो उसके फोर ऑप्शन हैं फ़ोर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं एक तो मतलब ये है कि बोथ प्लेयर वन एंड प्लेयर टू कॉपरेट है ना दो लोग पहले तो या तो कॉपरेट करेंगे और या फिर वो डिफेक्ट करेंगे बातें नहीं मानेंगे है ना फिर प्लेयर वन कॉपरेट प्लेयर वन है वो कॉपरेट कर रहा है लेकिन जो प्लेयर टू है वो डिफेक्ट कर रहा है ठीक है वो नहीं मान रहा है लास्टली क्या हो सकता है प्लेयर वन जो है डिफेक्ट करे और बात ना माने लेकिन जो प्लेयर टू है वो कॉपरेट करे है ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं और

यहाँ पे इसका कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है कि अगर यहाँ पे क्या करें इफ़ वन सेट ऑफ प्लेयर्स एक्ट प्रो साइक्लिकली कि जैसे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसको अगर बेचें आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्टेंस में तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं है ना वो कैसे करेंगे काउंटर करेंगे उसको साइक्लिकली साइक्कली बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना लेकिन जो कभी कभी हो सकता है कि जो दोनों ही प्लेयर्स हैं वो कॉम्बेटेड भी हो सकते हैं तो यहाँ पे मेन यही बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है एक मतलब जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसको बढ़ावा देना है नॉट कॉम्बिटिटिव मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना कि कोई फ़ाइट होनी चाहिए इसके लिए है ना तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरे आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं और तो ये है कि पब्लिक गुड पे मतलब ऐसे फ़ोकस करना चाहिए और साथ में जो जो मतलब कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव कोऑपरेशन लेके हमको चलना पड़ेगा है ना तभी जो है दोनों ही जो पार्टी हैं वो इससे बेनिफिट होंगी आइसोलेशन में काम नहीं चलेगा सोशलिज्म एंड द पेंडेमिक जो ये आर्टिकल था तो इसमें सोशलिज्म को फेवर किया गया है ठीक है और ये बोला गया है कि कंट्रीज़ मोर सक्सेसफुल इन करबें कोविड नाइन्टीन तो इन सारे ही स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें कि कोई अगर प्योर सोशलिज्म कहीं पर अपनाया जाता है तो ऐसा कोई नहीं है उनको मतलब एक न्यू डेफिनेशन उनकी बन गई है कल्याणकारी राज्य की ठीक है वेलफेयर स्टेट्स तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज जो हैं तो उनसे हमें सीखना चाहिए लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज अभी आपको मैंने कल ही बताया था न्यूजीलैंड की जो आ, प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुई हैं कौन जैसिंडा अर्डेन तो उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी वो लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज ही आइडियोलॉजी की है और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं जैसे कोविड नाइन्टीन को टैकल करने के लिए यहाँ के जो हेल्थ है ठीक है वहाँ पे जी का एलेवन स्पेंड किया जाता है और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि क्या स्थिति है तो ये चीज बोला गया और अभी यहां पे प्ली भी जो थी वो फाइल की गई थी क्योंकि आपको पता है हमारी प्रियम्बल में सोशलिस्ट का यूज है है ना सोशलिस्ट का हमारी प्रियम्बल में भी यूज है लेकिन फिर भी हम इसको जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं सो कंट्रीज विच प्रोवाइड सोशलाइज मेडिसिन आर द वंस हु विच हैव इवॉल्व द मॉडल ऑफ वट इज कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट है ना तो सोशलिस्ट स्टेट जिसको बोलते थे आज उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं एंड सेक्युलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करने की बात की जा रही है लेकिन अभी इसी ने मतलब जो है काफी कुछ प्रूवमेंट इसने किया है अगर हम बातचीत करें यहाँ की तो है ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं नंबर्स डोंट लाए तो ये भी उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो बच्चों के साथ जो रेप होते हैं और पोक्सो के तहत और जो रेप के जो इंसिडेंट है वो ट्वेंटी सेवन पॉइंट थर्टी टू परसेंट ये बोला है कि देर हैज़ बिन अ डिक्रीज है ना और लेकिन जो एक्यूज हैं उनको जो बुक किया गया है किसके अंतर्गत पोक्सो के अंतर्गत एक्ट हैव बीन गिवन हार्श पनिशमेंट एज मैनी एज फाइव एक्यूज हैव बीन गिवन द डेथ पेनल्टी वन नाइन्टी थ्री एक्यूज को मतलब कुछ डाटा है लाइफ्रेजनमेंट से रिलेटेड है ना तो ये चीज़ है बाकी तो यहाँ पे जो आर्टिकल था ये जो बाइडन से रिलेटेड और मतलब ट्रंप से रिलेटेड है कि कैसे ये हाउ इट एफेक्ट द वर्ल्ड है ना तो कैसे अफेक्ट करेगा वर्ल्ड को तो यहाँ पर अगर बात करें कि वर्ल्ड कैसे देखता है टू यू एस टू यू एस नॉट ट्रम्प तो ट्रम्प के जो मेजर फॉरन पॉलिसीज़ थी उन वो अनपॉपुलर है ग्लोबली ठीक है उसको मतलब इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं किया जाता है अगर हम बात करें कि यू एस ने इंक्रीज़ किए थे टैरिफ है ना जो भी इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड जो गुड्स होगी दूसरी कंट्रीज से तो उनको एट्टीन परसेंट लोगों ने ही अप्रूव किया है बाकी के जो सिक्सटी एट परसेंट हैं उसने डिसअप्रूव किया है यू एस का जो विड्रॉल था इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से उसको भी सिक्सटी सिक्स परसेंट लोगों ने डिसअप्रूव ही किया है और जो वॉल बनाई थी यू एस ए ने मैक्सिको बॉर्डर के पास में तो उसको भी डिसअप्रूव ज़्यादा लोगों ने किया 60 सिक्सटी परसेंट और जो कम कम इमीग्रेंट्स को अलाउ करना है यूएस में तो उसको भी ठीक है यूएस एस विद्रॉल द ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एग्रीमेंट तो फिफ्टी टू परसेंट लोगों ने डिसअप्रूवल किया है यू का जो नेगोशिएशन था विद द नॉर्थ कोरियन लीडर्स किमजोंग उन् अबाउट द कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम तो इसको कम लोगों ने डिसअप्रूव किया ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रूव किया है तो ये हम कुछ देख सकते हैं और यू की इमेज जो है जनरली फेवरेबल है ग्लोबली विथ समप्शन है ना तो कुछ एक्सेप्शन के उसमें फेवर भी करता है तो यहाँ पे बस थोड़ा यही चीज़ें बोली गई हैं कि क्लाइमेट चेंज में जैसे जो बाइडेन है तो वो क्लाइमेट डील जो है पेरिस डील उसको थोड़ा कंटिन्यू रखने की बातचीत करते हैं और ट्रंप जो है उस उसमें बिल्कुल भी इम्फेसिस नहीं देते हैं दूसरा जो जो बाइडेन है वो मतलब क्या करना चाहते हैं कि टू इन्वेस्ट टू ट्रिलियन डॉलर इन ग्रीन एरियाज इंक्लूडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और ऑटो इंडस्ट्री है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है ना इसमें वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ट्रंप का ऐसा कोई uh, वो नहीं है ट्रंप बस चाहते है कि हैं कि क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर वो ज़्यादा फोकस करें है ना तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं और यहाँ पर जो है वाई डेली एयर पोल्यूशन राइजेज़ इन अक्टूबर तो अक्टूबर में क्यों राइज़ हो रही है डेली की एयर पोल्यूशन है ना मतलब क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है एयर पोल्यूशन तो इसके काफ़ी सारे कुछ फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं तो ये बताया गया है कि कुछ तो क्या होता है जो विंड स्पीड होती है विंड के जो डायरेक्शन होते हैं उसमें चेंजेस की वजह से दूसरा ये बताया कि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर जो होता है वो भी बिहाइंड द इंक्रीज पोल्यूटेंट लेवल्स है ना तो जब टेम्परेचर जो होता है डिप करता है तो वो इन्वर्जन होता है इट लोअर्स इनवर्जन हाइट विच इज द लेयर बियॉन्ड विच पॉलिटन कैन नॉट डिस्पर्स ना पॉल्यूटेंट जो है डिस्पर्स नहीं हो पाते और वो अपर लेवर ऑफ द एटमोस्फेर में ही रहते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द ईयर इंक्रीजेज वेन दिस हैपन है ना तो वो पॉलिटन्स का जो कंसनट्रेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो प्रैक्टिस होती है वाइट फेस्टेंस टू थाउजेंड नाइन से ये है पंजाब हरियाणा में अगर हम स्टेबल बनने की बात करें है ना कि फार्म फायरस का किस तरीके से क्या रोल है मतलब पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने में तो ये चीज़ बोला है कि स्टेबल बनने के लिए टू थाउजेंड नाइन में हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने चेंज भी किया था ये उन्होंने बोला था कि आप क्या करो जो पैडी की जो फसल है ना उसको थोड़ा लेट से आप उसको डिलीट कर दो है ना तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको थोड़ा जो ग्राउंड वाटर है वो कंजर्व करें ताकि जब तक न्यू सोइंग साइकिल है है ना वो मॉन मानसून आने तक का मतलब वेट करें तो उस टाइम पे वो सारा फेवरेबल रहेगा लेकिन इस वजह से क्या हुआ इट लेफ्ट वेरी लिटल टाइम फॉर फार्मर्स है ना फार्मर्स को जो पैडी हार्वेस्ट करने का था वो टाइम ही कम मिला अब उनको जैसे अभी नई फसल उगानी होगी तो उनको फील्ड जो है खाली भी तो करना होगा ना फील्ड खाली करने के लिए फिर वो क्या करते सीधा फायर का ही उनके पास एक रास्ता होता है तो फायर वगैरह कर देते हैं दूसरी साइकिल के लिए है ना तो ये चीज़ होता है हैप्पी सीडर मशीन है लेकिन ये क्या है अनअवेलेबल है इतने ज़्यादा नहीं है बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग भी है स्मॉल फार्मर्स के लिए तो इतना ज़्यादा इसका कुछ लाभ नहीं है तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और सफ़र सिस्टम है तो सफ़र सिस्टम से एक ये भी वहाँ पर डेवलप किया गया है कि जो स्टेबल बर्निंग का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में डेली के तो वो भी उससे क्या होता है कैलकुलेट किया जाता है तो ये भी है कि आ, काफ़ी ज़्यादा है उसका भी लेकिन जिस दिन पुअर वेरी पुअर की कैटेगरी में थी आ, मतलब पोल्यूशन लेवल तो उस टाइम पे फोर परसेंट ही था है ना लेकिन बाकी के जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो सा, सारे यही होते हैं कि आ, मतलब डस्ट होता है वैक्यूलर पॉल्यूशन होते हैं है ना टू बिगेस्ट कॉज ये होता है जो हमको कोल्ड और ड्राई वेदर देखने को मिलता है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आगेगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल थैंक यू हैव अ नाइस नाइस डे अड